और ये जो है व्यक्ति जो है दंड देते हुए अयोध्या के तरफ जा रहे हैं। आइए इन्हीं से बातचीत करेंगे। एक महिला है और एक पुरुष है, क्या नाम हुआ? जय जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम कामेश्वर कुमार मिश्रा। कामेश्वर कुमार मिश्रा, हाँ। कहाँ से आ रहे हैं आप? अहिल्या स्थान के लोग हमें राम जी के नाम से पुकारते हैं। लोग हमें राम जी के नाम से पुकारते हैं और अहिल्या स्थान से हैं। अहिल्या स्थान से, हाँ। ये कहाँ पे पड़ता है? मिथिला के प्राचीन धार्मिक स्थल अहिल्या स्थान, जो कि दरभंगा जिला के, बिहार राज्य के दरभंगा जिला में ये स्थान है। कमतौल थाना के अंतर्गत अहिल्या स्थान है। वहीं से हम, वहाँ के मुख्य पुजारी हैं, मुख्य महंत बोलिए, मुख्य नौकर बोलिए, वहाँ से हैं। और वहाँ से जनकपुर रोड होते हुए सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी से शिवहर, चंपारण, इसके बाद जो है गोपालगंज होते हुए अब हम यूपी के पावन भूमि में आ गए हैं और कुशीनगर क्षेत्र क्रॉस कर रहे हैं। और मिथिला से अयोध्या तक डंडी यात्रा है। हम विजयदशमी के दिन निकले हैं। और विजयदशमी कब? वो 24/10 को। 24/10 को, मतलब मतलब 70-75 दिन हो गया। 70-75 दिन से आप रोड पे दंड देते हुए जा रहे हैं? हाँ, उतना दिन से। अयोध्या कब पहुँचना है? 3 महीना बाद पहुँचेंगे अयोध्या। हाँ, तो ऐसे कैसे पहुँचेंगे? सबसे पहले निकले हैं, सबसे बाद में जाएंगे। रामलला हम आएंगे, होली वहीं मनाएंगे। होली वहीं मनाना? हाँ, बहुत लोग आएंगे, बाहर आएगा, होली का पूरा भोज भात करेंगे, वहीं होली राम जी के साथ खेलेंगे। हाँ, तो मिथिला से आ रहे हैं, राम जी के साथ वहीं होली मनाना है। हाँ, और ये विश्व के पहला ऐसा मंदिर है जहाँ के मुख्य पुजारी महिला होती है। पूरे विश्व में कहीं ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ के मुख्य पुजारी महिला होती है। ये वहाँ के मुख्य पुजारी हैं, अहिल्या माता की बात कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जय जय सियाराम, जय जय सियाराम। मेरा नाम अवंतिका मिश्रा हुआ, स्थानीय नाम किशोरी जी हुआ। आप भी जा रहे हैं दंड देते हुए? जी, हम भी जा रहे हैं रामलला के पावन धरती पे दंड देते हुए। 22 तारीख को रामलला, वहाँ पे जो भव्य कार्यक्रम रखा गया है, तो आप लोग तो पहुँच नहीं पाएंगे। कार्यक्रम से क्या लेना देना है? वो खुशी तो मिल गया कि रामलला वहाँ विराजमान हो गया। अब उत्सव तो है, पूरे विश्व भर में मनाना है, तो वहाँ नहीं पहुँच कर अगर यही मनाएंगे वो और अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ करना अच्छा नहीं है। वहाँ पे उनका प्राण प्रतिष्ठा जो है वो विधिवत होना चाहिए, इसलिए कम से कम लोग वहाँ पहुँचे और जो जहाँ है वहीं पे उत्सव मनाए, यही सबसे बेहतर रहेगा। हम जहाँ हैं हमको वहीं बहुत खुशी है। बस ठाकुर क्या कामना करते हैं, क्योंकि अब पावन धरती जो उत्तर प्रदेश का है, कहीं ना कहीं आगमन हो गया आप लोगों का, उधर बॉर्डर क्षेत्र आप क्रॉस भी कर गए। कामना यही है कि रामलला का जो पावन धरती है, उनका चरण धूली जिस धरती पे पड़ा है, वो धूली हमको भी प्राप्त हो गया। अब उसी धूली पे हम लोग लौट रहे हैं, उसी धूली पे लौटते हैं। गाना उना ठाकुर जी के चरणों में जाके अब सुना। एक एक है तो एक एक लाइन। अब तो यही कामना रखते हैं कि ठाकुर जी के चरणों में जाके उनको जो भी टूटा फूटा भजन है वही सुनाया जाए। भजन एक बार चैनल में भी। ए पहुना ही मिथिले में रहुना, जने सुखबा ससुरारी के तने सुखबा सहुना। ए पहुना ही मिथिले में रहुना, ऐसा हमारी मिथिलानी राम कहती है। जब राम ने ससुराल, हम भी उनके ससुराल से हैं, मिथिला राम जी के ससुराल से। हाँ, हम उनके ससुराल से हैं, इसलिए हमको, हम उनसे जो है वो अपने क्षेत्र में यही कहते हैं कि राम जी को यहीं आने के लिए जो सुख आपको में मिलता है उससे कहीं ज्यादा मान सम्मान उनको मिथिला क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि वहाँ के उस जमाई हैं। और किसी भी जमाई को हमको लगता है कि ससुराल में स्थान मान सम्मान मिलता है, वहाँ उनको भी बहुत मान सम्मान मिलता है, कहती है कि यहीं पे आप रह जाए। देखिए, ये जो है आपके लिए निकले हैं, लग जाएंगे जब ये मिथिला से अयोध्या तक की जो सफर होगी वहां तक पहुंचेंगे। और अभी जो है नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश यानी कि खुशी नगर